कसौधन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। राजनीति में पोस्टर वॉर तो जैसे धीरे धीरे ट्रेंड बनता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए निशाना साध रहे हैं। अब एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस बार बीजेपी ने दो नामचीन विपक्षी पार्टियों पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा। जी हाँ, बीजेपी ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर एक पोस्टर शेयर कर निशाना साधा। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। अब इस मामले पर दिल्ली की राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। एक तरफ आप नेता की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर का टाइटल है दो कैदी। पोस्टर आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तस्वीर है। पोस्टर पर लिखा है शराब घोटाले पेश करते हैं दो कैदी। पोस्टर के नीचे लिखा है तिहाड़ के थिएटर में। वहीं दूसरा पोस्टर बीजेपी के मेन एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है। इसमें राहुल गांधी को रावण के रूप में चित्रित किया गया है। राहुल गांधी की दाढ़ी वाली छवि है जिसके 10 सिर है। इस पोस्टर में राहुल गांधी को रावण के रूप में चित्रित किया गया है। राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया है। वहीं बता दें कि ये दोनों ही पोस्टर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में है। बीजेपी ने लिखा नए जमाने का रावण यहाँ है, वे दुष्ट धर्म और राम विरोधी है। इनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। पोस्टर के सबसे ऊपर रोमन में लिखा है भारत खतरे में है। इससे पहले भी तमाम पार्टियां एक दूसरे का पोस्टर बना निशाना साध चुकी हैं। हाल ही में बिहार की पॉलिटिक्स में भी ये पोस्टर वॉर देखने को मिला था। कभी कभी तो नेता मंत्रियों के लापता होने का भी पोस्टर गली मोहल्ले में लगा हुआ दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पोस्टर के जरिए ही बीजेपी पर पलटवार करेगी या फिर कोई और हथकंडा अपनाती है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।